आप सभी के अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहो कैसे हैं आप सब, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग है, आई होप आप लोग को अच्छा लगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। आज मैंने आप लोग के साथ जो है हरी मटर की रेसिपी शेयर की हुई, तो आप लोग देखना ज़रूर। और वैसे मैंने सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, बहुत दिनों से मन कर रहा था खाने का आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं और सबके साथ शेयर भी करते हैं। अगर अच्छा लगे तो आप लोग भी ट्राई करना। तो ये देखो मैं आई हूँ छत पे, फैलो अपने बच्चों के साथ आई हूँ यहाँ पे टहलने के लिए, छत पे इन लोगों को टहलाने के लिए। जान भी अब है, ये देखो यहाँ पे काम चालू है ना, तो पूरा सामान बिखरा हुआ है। तो चलो मैं आप लोग को जो है ऊपर वाले छत पे लेके चलती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं जब से हम आए हैं घर से, कभी जो है ऊपर गए नहीं हैं। आज बहुत मन कर रहा है जाने का, तो चलिए आप लोग को भी लेके चलते हैं और देखते हैं। तो गाइस चलो सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आलू है, टमाटर है, हरी मटर है, सब्जी मसाला है, गरम मसाला है, पंचफोड़न है, जीरा है, प्याज है, हरी मिर्च है, लहसुन है। और अब चलो बनाना शुरू करते हैं। लहसुन को हम जो है उसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं खलबट्टे में, और गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है, इसमें डाला हुआ है राई का तेल। इसके बाद उसमें डालेंगे पंचफोड़न, जीरा, और जब ये हो जाएगा तो उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज डालने के बाद डाल देंगे हरी मिर्च, और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन में हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे लहसुन, क्योंकि लहसुन बहुत जल्दी हो जाता है ना इसलिए। और इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी मटर और सब्जी मसाला, गरम मसाला, सभी चीज़ें डाल देंगे। डालने के बाद गाइस इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे आलू डालने के बाद, और टमाटर डालेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखना, अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग ट्राई भी करना। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं, किसी को कम किसी को ज़्यादा पसंद होता है ना। तो इसे हम ढक देंगे, और ये देखो गाइस हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती, और बहुत ही आसान है इस सब्ज़ी को बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस जब चलो मैं आप लोगों को ना अपनी रूम का सैर करा देती हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह सुबह सारे रूम को क्लीन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैंने हॉल में जो है एक तख्त लगा दिया है, यहाँ पे बिस्तर, जैसे मेहमान लोग आए तो यहाँ पे बैठ सकते हैं। और ये है मेरा छोटा सा आंगन, और ये है हमारे देवर जी का रूम, इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो सोचा चलो सब कुछ दिखा देते हैं, और चलिए गाइस लगा देते हैं म्यूजिक, आप लोग देख लीजिए। बस एक गलती हुई है, उसे हम कल सुधारेंगे, क्योंकि मैंने फ़ैन को नहीं साफ़ किया है, उस पर जो है ना धूल बैठ गई है, तो उसको साफ़ करना है। तो बिस्तर को मैंने साफ़ कर लिया था, अगर अब मैं अब फ़ैन को साफ़ करूँगी तो सारी मिट्टी जो है बिस्तर पे गिरेगी, इसलिए मैं उसे कल साफ़ करूँगी कल सुबह। तो ये मेरा हाल था गाइस, मैंने किचन को भी क्लीन कर लिया है, खाना बना लिया है, और सिर्फ बर्तन धुलना बाकी है, उसे भी धुलना है। तो हमारी जानवी हैं, ये देखो अभय, सॉरी अभय हैं, जानवी नहीं है, मैंने पीछे देखा नहीं, मुझे फ्रिज में दिखा कि जानवी है, जानवी नहीं है, जानवी अभी स्कूल गई है। ये है हमारा बेडरूम, इसे भी मैंने क्लीन कर लिया है, इस पर जो है नए चादर डाल दिए हैं, और हमारा फैन चल रहा है। एसी को मैंने बंद कर दिया है गाइस, क्योंकि रूम में कोई है नहीं ना, तो इसलिए उसे चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे देखो ये हमारी जानवी का टेडी बियर है भाई। तो गाइस चलो अब कपड़े को हम डाल देते हैं, वैसे धूप तो हुआ नहीं है, कपड़े ज़्यादा हो गए थे बच्चों का, तो धुलना भी बहुत ज़रूरी था। बादल घिरे हुए हैं, लेकिन क्या करें गाइस, अब इसे हमें जो है डालना ही पड़ेगा। हवा चल रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत ये सूख जाए, तो चलिए फटाफट जो है
डाल देते हैं। और हमारा जो बच्चा है ना, वो मेरी हेल्प कर रहा है, देखो वो मेरे पीछे पीछे टहलता रहता है। जानवी हमारी स्कूल चली जाती हैं और ये मेरा छोटा बाबू उठने के बाद मेरे पीछे पीछे ही टहलता है। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारे जो थे दोनों बच्चे पहले ही पहुंच गए हैं। इतना खुश हुए हैं ना कि क्या बताएं। दौड़ो मत, चोट लग जाएगी नहीं तो। आ जाओ, ये भी आओ। तो गाइस मैं आ गई हूँ ऊपर वाले छत पे। आ जाओ दोनों, इधर आओ। आज का जो मौसम है ना, बहुत ही सुहाना है। देखो ठंडी लग रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बच्चे हमारे दोनों जो है डांस कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि सालों बाद जो है यहाँ पे आए हुए हैं, खुली हवा में खूब मस्ती कर रहे हैं। वैसे सच कह रहे हैं, जब से हम आए हैं ना गांव से, तब से मेरे बच्चे ज़्यादातर हमेशा रूम में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि हम निकलते ही नहीं तो बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे बाहर। तो जान भी हमारी स्कूल से आई तो मैं बोली कि चलो ऐसा करो, ड्रेस चेंज कर लो, चलो मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा छत पर जो है टहला देती हूँ, आप लोग थोड़ा सा टहल लो। तो बच्चे हमारे जो है बहुत खुश हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम भी चलते हैं बच्चों को लेके नीचे, हो सकता है कि इनके पापा भी आए। और मैंने ये साड़ी पहन ली है, कैसी लग रही है? आई होप आप लोग को भी अच्छी लग रही होगी ना। चलिए मिलते हैं। आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। तो मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह एक अच्छे ब्लॉग के साथ, उसका वेट करते रहना। आपकी आराध्या फिर मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय दोस्तों, बाय दोस्तों।